हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं पोकेमोन ब्लैक वर्जन। और पोकेमोन ब्लैक के पिछले एपिसोड में हमने कैच किया था एक नया पोकेमोन जो कि है सैंडाइल, और उसके हमारे अभी ट्रेनिंग करने के लिए रखा हुआ है। अभी मैं उसका बैटल्स में इस्तेमाल नहीं कर रहा, और पहले हम रिपेल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पोकेमोन से एनकाउंटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। और पिछली वीडियो मैंने जो पीछे जगह है उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था, और आज हमें आगे बढ़ना है यहाँ से क्योंकि इस तरफ कुछ है क्या वैसे देख लेते हैं एक बार। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है और रूट 4 है शायद ये। हाँ ये रूट 4 ही है। और यहाँ पर हमारा दोस्त कैरन खड़ा हुआ है, पता नहीं बैटल करेगा क्या। हे ब्लेक, आई बीन वेटिंग फॉर यू टू गेट द इंसेक्ट बैच एंड नाउ इट्स टाइम टू सी विच वन ऑफ अस इज द स्ट्रोंगर ट्रेनर। हाँ भाई, बताते हैं ऐसे कि स्ट्रोंगर ट्रेनर कौन है। वैसे कैरन ने भी इंसेक्ट बैच जीता हुआ है, तो हमें उसे कम समझना नहीं चाहिए। वैसे काफ़ी स्ट्रोंग है वो भी, देखते हैं आपकी बार। ओके, तो पहला पोकेमोन इसका पिंडव, एक फ्लैंग टाइप और नॉर्मल टाइप पोकेमोन। हमारा टाइम पूल इसे हरा देगा, वैसे लगता तो है हरा पाएगा क्योंकि यार सैंडस्टॉर्म भी चल रहा है, तो हमारे पोकेमोन को डैमेज देता रहेगा थोड़ा थोड़ा। पर हमारे जो टाइम पूल है वो उसे कर सकता है क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है, तो हो सकता है इसे डैमेज ना मिले। हम बॉल बीम करते हैं पहले क्योंकि भाई बॉल बीम में काफ़ी अच्छा डैमेज दिया वैसे। और ये गियर अटैक, इससे हमारे पोकेमोन डिफेंस कम होगा पर ज़्यादा कुछ तो नहीं होने वाला। ओके यार, जैसे कि सैंडस्टॉर्म में कह रहा था यहाँ पर ही डैमेज देता रहेगा हमारे पोकेमोन को थोड़ा थोड़ा। बबल बीम करते हैं हम वापस से, ओके बार तो फेंट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये फेंट हो चुका है। अगला पोकेमोन देखते हैं इसे कौन से होने वाला है। ओके यार, ये डैमेज दे रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा डैमेज तो मिल ही रहा है हमारे पोकेमोन को। ओके, पेंसियर को तो हमारा वैसे पिंडव नहीं, मतलब ये टाइम पूल कर सकता है। बबल बीम से हम इसे फेंट कर देंगे क्योंकि एक फायर टाइप पोकेमोन और वॉटर टाइप के अगेंस्ट वीक है, और साथ ही ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट भी वीक है, तो हो सकता है ग्राउंड टाइप मूव्स इस पर सुपर इफेक्टिव रहे। वैसे तो उसकी एचपी बिल्कुल बची नहीं है, तो मर्सूट से वो एक बार में फेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पेंसियर हार चुका है हमसे, और अगला पोकेमोन भी आने वाला होगा इसका नया वाला। और सैंडल का लेवल अप हो गया है यहाँ पर लेवल 18। पता नहीं है सैंडल जल्दी जल्दी लेवल अप कर जाए तो मैं इसका बैटल्स में यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। तो हम अपने डैन को बुलाते हैं अभी अगले पोकेमोन के लिए, जो अगला पोकेमोन है लाइफ पार्ट। ओके, तो लाइफ पार्ट आ चुका है यहाँ पर, और अभी हम अपने बेस्ट मूव का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा ड्रैगन रेंज, हमारे जो डैन का बेस्ट मूव है। ओके, परस्यूट, वो यार काफ़ी अच्छा डैमेज दिया इसने हमारे पोकेमोन को, और यहाँ पर इसका हमारे पोकेमोन ने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया है। पर यार मुझे नहीं लगता अगली बार ये जल्दी मूव करेगा। ओके यार, इसने कर दिया मूव पहले, और हमारा पोकेमोन यहाँ पर फेंट हो गया। नहीं, बच गया भाई 6 HP और सर्वाइव कर गया। वाह भाई, डैन हमारा काफ़ी टीम है, हमारी टीम है भाई, डैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने यार पिछला जिम मेडल भी काफ़ी अच्छी तरह जीत लिया था अकेले ही। और यहाँ पर हमें पोकेमोन चेंज करना चाहिए, और अब बुलाना चाहिए हमारे कोंग को क्योंकि डेवोट आ रहा है, और डेवोट एक वॉटर टाइप पोकेमोन है, और हमारा जो कोंग है वो एक ग्रास टाइप है, तो इस तरह से एडवांटेज हमारे पास रहेगी। ओके, हम यहाँ पर सीड बॉम्ब करते हैं, और हो सकता है ये 1 HK हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हो गया भाई 1 HK हो गया, बहुत बढ़िया भाई। हमारे कोंग हमारी टीम में सबसे ज़्यादा लेवल है अभी। ओके, सैंडल का लेवल 19 हो गया, और मर्स लेवल सीख रहा है, हम इसे सिखा देंगे। और यहाँ पर भाई सैंड अटैक को हटा देते हैं क्योंकि सैंड अटैक ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। ओके, वैसे वहीं लगता अभी यार। ओके, कैरन के पास कोई पोकेमोन नहीं बचा है, इसलिए वो हार चुका है हमसे, और हमने फिर से अपने राइवल कैरन को हरा दिया है। इट्स नाउ क्लियर टू मी द रीज़न यू आर सो टफ इज़ द ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर पोकेमोन, बट दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे तो हम अपने पोकेमोन काफ़ी ट्रेनिंग भी कराते हैं, इसलिए वो इतने स्ट्रॉन्ग है। आई कैन गेट मोर आउट ऑफ डेवोट एंड माई अदर पोकेमोन्स। ओके, ट्रांसाइवर में कोई रिंग हो रही है मतलब ये। ओके, प्रोफेसर जूनिपर का फ़ोन है। हेलो देयर ब्लेक, डू यू हैव अ सेकेंड? प्रोफेसर जूनिपर, एंड डू यू नीड समथिंग? आई कॉल्ड बियंका टू, बट आई गेस सी डिड नॉट हेयर द कॉल। ओके यार, वो काफ़ी बिजी रहती है अपने ट्रेनिंग में, इसलिए शायद उसने कॉल पर ध्यान नहीं दिया होगा। आई वंडर वॉट सी इज कैच अप इन, वेल आई सपोज आई जस्ट हैव टू कॉल हर अगेन लेटर। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू टू इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ निम्बा सिटी। ओ हेलो, निम्बा सिटीज गेट इज स्ट्रेट डाउन रूट 4। ओके, हमें निम्बा सिटी के गेट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर प्रोफेसर जूनिपर हमारा इंतजार कर रही है, हमें चलना चाहिए वैसे तो। पर उससे पहले मैं पोकेमोन हील करा के आता हूँ। ओके, मैंने अपने पोकेमोन हील करा लिया, और अभी हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर ये अंकल कौन है? डीप इन द डेजर्ट अहेड ऑफ हेयर एट द डेजर्ट रिजोर्ट देयर आर सम रोइंस डैट हैव बिकम आर लिटिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओके, डेजर्ट रोइंस,
यहाँ पर एक बैटल। ओके तो मैंने बैटल कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर ये पोकेबॉल रखी हुई है जो कि है बर्न हेल। ओके बर्न हेल काफ़ी कमाल का है वैसे, ये हमारे पोकेबॉल को बर्न से बचाता है। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं यहाँ पर, इनसे मुझे बैटल करना पड़ेगा जल्द से जल्द। ओके बैटल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर एक और पोकेबॉल रखी हुई है सुपर पोशन। और यहाँ पर एक अंकल भी हमारे इंतजार कर रहे हैं बैटल करने के लिए, चलो भाई इनसे बैटल करते हैं। ओके यहाँ पर ये ट्रेनर्स टीप रखी हुई है, पोकेमॉन हैव अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूजिंग एमपी। हाँ भाई सब हमें पता है, पीपी अप होते हैं सब। ओके अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर पहले हम रिपेल करते हैं क्योंकि यहाँ ये जो हमें जो यहाँ सैंड है ये सभी यहाँ पर पोकेमॉन्स रहते हैं, ये सैंडल जैसे पोकेमॉन्स सैंड के अंदर रहते हैं और हमें मिल सकते हैं, इसलिए हमें अभी नहीं चाहिए वो कि हमारे पास पहले से एक सैंडल है और दूसरे पोकेमॉन्स भी हमें नहीं चाहिए अभी कोई। और यहाँ पर एक और पोकेबॉल दिख रही है मुझे, क्या है? ओके एल इथन मिला है हमें। और उस तरफ जो ट्रेनर्स हैं उनसे शायद मैं बैटल कर चुका हूँ, इस मतलब जाल की दूसरी साइड यहाँ से मैं बैटल कर लिया था पिछली वीडियो में। अभी हम यहाँ पर एक और बैटल करते हैं, ये रहा भाई, इसे भी बैटल कर ही लेते हैं। ओके एक और ट्रेनर की बैटल करने की इच्छा हमने पूरी कर दी और अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमें निम्बस सिटी गेट पर जाना है। ओके इससे बैटल कर लेते हैं, हो सकता है ये बैटल करे। यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है। व्हेन आई लुक एट द फ्री वे आई फील एक्सिलरेटेड। ओके जी ये शायद ऊपर जो इसकी बात कर रहा है, ये जो ऊपर हमारे ऊपर पुल सा जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी ट्रक भी हैं। ओके एक और बैटल ख़त्म, कितने सारे बैटल हुए आज हमारे आज की वीडियो में हमारे। ओके शायद गेट वे आ चुका है, हाँ यहाँ यहीं पर है। हेलो ब्लेक कम हेयर। हाँ भाई हम आ गए, काफ़ी मतलब बैटल्स किए हमने। एलिसा कोल्ड एंड वॉज आस्किंग मी ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन एंड आई थॉट अबाउट यू गाइज, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू सी यू टडा फ्री बीज फॉर यू फ्री बाइज। ये क्या होते हैं? हेयर केयर यू टू ब्लेक। ओके अल्ट्रा बॉल्स, हमें अल्ट्रा बॉल्स मिली है फ्री की यहाँ पर। इफ़ यू सी अ पोकेमॉन डैट यू वॉन्ट टू हैव जॉइन यू बी श्योर टू यूज अ गुड टाइप ऑफ पोकेबॉल। हाँ भाई ये तो सही है, बिकॉज दिस कुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यू सी द डैट पोकेमॉन। आई नो आई वॉन्ट आई माइट सीम स्ट्रेंज फॉर मी टू से दिस सिंस आई एम द वन हु आस्क यू टू complete the progress but please remember to enjoy your journey. Of course I am not saying you can just neglect the Pokedex but you know that. Now if you'll please excuse me I have to go meet Bianca. Okay yeah Bianca ko lagta hai ultra balls dene ja rahi hain Professor Juniper. It seems the professor gave us the Pokedex as a reason to send us on a journey. At least that's what my mom told me. They wanted you us to go out and see the world. So my mom, Bianca's mom and your mom made a request to Professor Jennifer. Blake, what should we do now? Pata nahi, mujhe lagta hai battles karne chahiye hame. I think I'd like to show the professor my thanks by going to Route 4 and catching some Pokemon I have not yet catch. हाँ भाई ये तो पोकेमॉन कैच करने चला गया, पर अभी हमें कोई पोकेमॉन कैच नहीं करना है, हमारी टीम में काफ़ी अच्छे पोकेमॉन्स हैं अभी।
अभी हमें चलना चाहिए निम्बाजा सिटी में, और ये सिटी काफ़ी बड़ी होने वाली है। पिछली सिटी तो भाई काफ़ी बड़ी थी। ग्रेफ्स वी नो यू रन द डे डे केयर, ओके डे केयर की जो अंकल है यहाँ पर, हाउ डू वी नो, बिकॉज वी आर टीम प्लाज्मा, वी आर टेकिंग पोकेमोन अवे फ्रॉम पीपल। तो यहाँ पर भी चोरी करने आ गए पोकेमोन्स की, सिंस वी यू वर्क एट द डे केयर वी फिगर यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पोकेमोन, हैंड एम ओवर, वॉट काइंड ऑफ नॉन सेंस इज दिस। हाँ भाई ये लोग पोकेमोन चोर है ना, अपने पोकेमोन मत देना अंकल जी। ओके हमें, और इन्होंने हमें देखा, ओ अ स्ट्रॉन्ग लुकिंग ट्रेनर प्लीज़ हेल्प मी। हाँ भाई इन्हें तो हम पहले से हरा चुके हैं, पर अभी दोबारा आना पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इन आवर वे वी विल टेक योर पोकेमोन टू। ओके मेरे पोकेमोन, वैसे मेरे पोकेमोन लेना तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। कि हमने एक को धरा दिया है, पर पता नहीं दूसरा बैटल करेगा या नहीं। दिस वेंट डाउन हिल फास्ट सो आई थिंक वीड बेटर रन। ओके तो ये भागने वाले हैं यहाँ से। लेट्स हाइड आउट एट द एम्यूजमेंट पार्क, तो ये एम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं यहाँ से। इन्होंने अपने हाइड आउट का पता ही हमें बता दिया, हम बाद में वहाँ पर जाएंगे और उनसे बैटल करने के। थैंक यू सो मच। अरे ऐसी कोई बात नहीं अंकल जी, प्लीज़ टेक दिस एज अ टोकन ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, इट्स अ ब्रांड न्यू बाइक, आई ऑलवेज प्लान ऑन राइडिंग अराउंड निम्बासा सिटी बट आई नेवर एंडेड अप राइडिंग इट। ओके तो टीम प्लाज्मा से बचाने के बदले इन्होंने हमें बाईसाइकिल दी है। वैसे यार अंकल जी तो काफ़ी हमें निकले। आई हैव अ डे केयर ऑन रूट 3, हाँ ये तो हमें पता है। इफ़ यू हैव एनी पोकेमोन यू वांट मी टू राइज प्लीज़ ड्रॉप देम ऑफ। वैसे हम अपने पोकेमोन से खुद ही ट्रेन करते हैं, पर अगर कोई पोकेमोन ऐसा होगा तो हम जरूर देखेंगे इसे। आई जस्ट केम टू साइट सी बट आई गोट इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। हाँ भाई काफ़ी मुश्किलें पड़ गए थे यहाँ से, अभी वहाँ भी जा रहे हैं अपने डे केयर में। ए ब्लेक यो हो, ओके बियंका यहाँ पर आ गई है। तो प्रोफेसर जूनिफर ने बियंका को ढूंढ निकाला। द प्रोफेसर टोल्ड मी निम्बासा सिटी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी एंड डू, द अम्यूजमेंट पार्क, बिग स्टेडियम, स्मॉल कोर्ट एंड द बैटल सबवे। ओके बैटल सबवे क्या होता है, वैसे हम जाएंगे वहाँ पर। आई एम गोइंग टू गो सी द पोकेमोन म्यूजिकल, सी यू लेटर। ओके पोकेमोन म्यूजिकल जा रही है देखने के लिए, पता नहीं यहाँ पर सिटी में कितनी कितनी नई नई चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी होंगी। पहले हम पोकेमोन सेंटर चलते हैं यहाँ के, मतलब जो सबसे मेन चीज़ होती है हर पोकेमोन सिटी में जाने का, ये रहा पोकेमोन सेंटर। पहले अपने पोकेमोन हेल कराएंगे, उसके बाद इस सिटी को घूमेंगे, देखते हैं यहाँ पर कैसी कैसी नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं। ओके यहाँ पर हमारे पोकेमोन हेल हो जाएंगे, और इस पोकेमोन सेंटर में से ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो पहले उनसे ही बातें कर लेते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर मार्केट भी बिल्कुल अंदर ही होती है पोकेमोन सेंटर की, तो हमें कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। ये आंटी कौन है देखते हैं। आई माय ब्यूटियस मिनी सियोनो आई मीट इन ऑन रूट 5, आई एम प्रीटी श्योर इट विल बी पॉपुलर इन म्यूजिकल्स। ओके म्यूजिकल्स के बारे में सब यहाँ बातें कर रहे हैं, करते रहो भाई हम जाकर देखते हैं ये बैटल सबवे क्या होता है। ओके जो ये बड़ी सी यहाँ पर बिल्डिंग है, ये पता नहीं कैसी है। एज इट हैपन्स निम्बासा सिटी इज़ अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर पोकेमोन बैटल्स, देर आर पोकेमोन ट्रेनर्स इन लॉट्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स। ओके यहाँ ये बड़ा सा मैंसन टाइप है कुछ, देखते हैं बैटल सबवे बैटल एंड राइड। ओके बैटल सबवे है ये, चलते हैं भाई एक बार अंदर। और यहाँ पर भाई कौन है, ओके ट्रेनर आई वॉन एंड देन आई लॉस्ट। ओके ये जीतने के बाद हार गई। गियर स्टेशन हैज ट्रेन्स वेयर यू कैन बैटल अदर ट्रेनर्स द बैटल सबवे। ओके गियर स्टेशन यू आर अ ट्रेनर आर यू नॉट यू, प्लीज़ जस्ट एक्सेप्ट दिस विदाउट अ वर्ड।
क्योंकि ये कोई मशीन है यहाँ पर, वर्सेस रिकॉर्डर ही कुछ रिकॉर्ड करता हो सकता है। इफ़ यू हैव अ वर्सेस रिकॉर्डर यू कैन रिकॉर्ड बैटल्स विद फ्रेंड्स और ऑन द बैटल सबवे। ओके, बैटल को रिकॉर्ड करता है। एनी वे दिस वुमन ऑफ मिस्ट्री विल गो समवेयर, दैट्स राइट। ओके, आप बैटल सबवे के अंदर कोई है लगता है। सी विल गो टू द बैटल इंस्टीट्यूशन, बैटल इंस्टीट्यूशन गई है वो, कोई बैटल करना हो सकता है, हमें बैटल करना उससे। भाई बिल्डिंग तो वैसे काफ़ी बढ़िया है देखने में, और अंदर से भी यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। गियर स्टेशन, ओके, तो यहाँ से हमें बैटल करने जाना होगा हो सकता है। पहले इस बिल्डिंग को मतलब देखते हैं अंदर से क्या है यहाँ पर, और एक ट्रेनर भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, हो सकता है बैटल करे। देखते हैं बैटल सबवे में क्या हो रहा है। बैटल सबवे हैज़ 7 लाइंस इन टोटल, बट आई हेयर दैट द ओनली लाइन यू कैन टेक एट द बिगिनिंग आर द सिंगल बैटल और मल्टी ट्रेन्स। ओके, सिंगल बैटल्स ये सब क्या होता है। वैसे ये दूसरी वाली है तो मुझे लगता है पिछले वाली भी जानी चाहिए हमें, जो इससे पहले थी यहाँ पर। ओके, यहाँ से हमें ये पहली वाली में चलते हैं। यहाँ पर ये क्या है भाई, मैप टाइप लगता है, कोई सबवे का मैप है लगता है। और यार बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसा मैप है। चलो कोई नहीं, अभी हम देखते हैं ये अंकल कौन है। वेलकम टू द बैटल सबवे, आई विल गाइड यू टू द सिंगल ट्रेन हेयर, वुड यू लाइक टू बोर्ड द सिंगल ट्रेन। हाँ भाई करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होने वाला है। प्लीज़ सेलेक्ट द पोकेमॉन यू विश टू एंटर। ओके, बैटल के लिए यहाँ पर हमें कुछ पोकेमॉन को चूज़ करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है हमें अपने फायरवुड और ग्रास की टीम को रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कोंग को चूज़ कर लेते हैं, और टाइमपूल और हमारा फ्लेम, इन तीनों पोकेमॉन के साथ हम जाने वाले हैं। ओह, मैंने कैंसिल कर दिया गलती से, एक बार दोबारा से करते हैं। सही पोकेमॉन को चूज़ कर लेता हूँ अपने। ओके, हमें यहाँ पर 3 पोकेमॉन चूज़ करना है, तो हम अपने तीनों पोकेमॉन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इन तीनों पोकेमॉन के साथ जाने वाला हूँ, कंफर्म करते हैं यहाँ पर हम। ओके, यहाँ पर ये गेम सेव करने को कह रहा है, तो कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी गेम को सेव। ओके, गेम सेव हो चुका है, अभी हम चलते हैं बैटल के लिए। नाउ प्लीज़ बोर्ड द सिंगल ट्रेन। तो ये सिंगल ट्रेन क्या है, हो सकता है यहाँ पर सिंगल बैटल्स होते हो, और हम जा रहे हैं भाई ट्रेन से कहीं पर। ओके भाई, ट्रेन के अंदर एक ट्रेनर है, आर यू गोइंग टू बोली मी। चलो भाई बैटल करते हैं। वेल गाइज, मैंने बैटल किया और यार मैं हार गया, और यहाँ पर ये बैटल की वीडियो सेव करने को कह रहा है। वैसे मैं कोई अपने हारने वाली वीडियो को सेव नहीं करने वाला, और जीतने वाली वीडियो होगी तो मैं सेव जरूर करूँगा। और भाई इस ट्रेनर का जो पोकेमॉन थे वो 50 लेवल के थे, और हमारे पोकेमॉन 50 लेवल के हो गए थे। तो मैं इस और बैटल्स करने वाला हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए मुझे लगता है इतना सही रहेगा, यहाँ पर ये गेम को सेव कर रहे हैं। ओके, अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर। वैसे बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, और मैं इस बिल्डिंग को थोड़ा बहुत घूमूंगा बाद में, ऑफ वीडियो देखने वाला हूँ मैं इस बिल्डिंग में क्या होने वाला है मतलब। तो अभी के लिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं और देखते हैं भाई। वैसे मुझे लगता है आज की वीडियो सही रहेगा, और आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी की, और इस अगली वीडियो में इस पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अगली सिटी को आप मिस मत करिए, और अभी अगर आपने वीडियो पूरी देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं मिलता हूँ इसके आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।